इस मैंग मैंने जिस टाइम पर प्लान बनाया मैं वैसे ही निकल रहा हूँ। ये देखो मेरी पैकिंग पैकिंग चल रही है, इसके ऊपर मैं अभी जल्दी टाइम को निकलता हूँ। बाकी आपको मैं अभी बताता हूँ मेरी सेंड प्लान कैसे बना है। मैं आपको प्लान के बारे में बता रहा था, तो ये हुआ एक्चुअली मेरे मामा की मेरे को कॉल आई। मामा ने मुझे कॉल कर बोला चल वैष्णो देवी चल रहे हैं, बस एकदम से कॉल आई। मैंने भी एकदम मैंने मामा एकदम से प्लान मामा बोल रहे हाँ एकदम प्लान बन गया, बस अब बता चलना है। तो फिर मैं भी घर से निकल गया, मैं ठीक है मामा आ रहा हूँ। अब मैं घर से निकल गया, नई दिल्ली जा रहा हूँ अपने मामा के पास, वहाँ जाके मिलूँगा फिर अपने मामा के साथ क्या की जर्निंग करूँगा। बाकी गाइस आप वीडियो के मजे लीजिए, बाकी आगे बात चलती है। बाकी आपने क्लिप देख ही लोगी, मुझे एक भाई मिले उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा। बाकी मेरा फर्स्ट ब्लॉग है आप देख ही लेना, अपना प्यार देना जैसा भी बने, मैं आगे जाके आपको अच्छा रिजल्ट दूंगा इसका। एक चीज़ दिखाता हूँ, तरक्की तो बहुत हो गई हमारे इंडिया में, वरना पहले मैं देखता था कैसा था, आज सरकार बदलने से देश ही बदल रहा हमारा। आ चुकी है मेरी, अब मैं अपनी सीट पर जा रहा हूँ। देखिए वो मेरी मान लाओ यहीं मिलेंगे मुझे, रस्ते में मैं बिछड़ गया था उनसे ना, दोबारा उनके पास पहुँच चुका हूँ, आप सीट जगह मिलते हैं चलो। हाय बोलो जय माता दी। हेलो गाइस, मैं आपको भारत का व्यू दिखाने पा रहा हूँ कि बहुत भीड़ ट्रेन में, और ये चन्ना डिब्बा को एक्चुअली एकदम बताया था मैं आपको, मैं एकदम प्लान बना तो जैसे कि मुस्कानी चन्ना डिब्बा टिकट लेनी पड़ी कुछ चक्कर में, या इतनी भीड़ है उसमें गेट पर बंदे एकदम बैठे पड़े हैं, ज़्यादा से गेट खुलने की जगह ही नहीं है, कुछ चक्कर था भारत का व्यू दिखाने का। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं जम्मू तो भी पहुंच चुका हूँ। फाइनली गाइस हम श्री माता वैष्णो देवी कटरा जंक्शन में पहुंच चुके हैं, बस अब यहाँ से चढ़ाई चालू करेंगे, आज रात तक ही खत्म करने की सोचेंगे, कल वापस आज आपके वापसी दिल्ली के लिए। फिर जय माता दी। जय माता जी। वो गाइस फाइनली मैं प्लेटफॉर्म के बाहर निकल रहा हूँ, बस बाहर जाके फिर ऑटो ऑटो पकड़ना है आगे जाने के लिए। मेरे मामा हाय एंजल, एंजल हाय, ले हाय, जय माता दी, जय माता दी। हमारे श्री मैं जी द्वारा माता वैष्णो देवी के दरबार में स्वागत है। अभी अड्डी लगाएंगी हमारी प्री प्री सासू माँ जी जो काफी दिनों से आ रही है, और इसके साथ हमारी प्यारी प्यारी साली जो हमको कभी नहीं मारती है। मैं हूं घरवाली। फाइनली गाइस हमने रूम बुक कर लिया है, बस अब रूम देखने जा रहे हैं वहाँ पे, यहाँ से गाड़ी लेके जा रही हूँ। उससे बात हुई तो वो वाला थोड़ा मैं कैप्चर मूवमेंट नहीं कर पाया, थोड़ी मामी के बच्चे साथ में थे तो मेरे हाथ में पकड़ लग रहे और मैं भूल भी गया। बाकी मैं आगे रूम की फोटो वोटो आपको दिखाता हूँ कैसी हुए। मम्मी टैक्सी से रूम में जा रहे हैं। फाइनली गाइस हम होटल पहुंच चुके हैं, होटल का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ बाहर से भी, ये देखिए।
हमारी गाड़ी आ चुकी है बहुत टाइम के बाद, बहुत वेट किया हमने। निकल चुके हैं हम यहाँ से अपनी गाड़ी से, पहुँच चुके हैं यात्रा के स्थान पे, यात्रा पर्ची लेने जा रहे हैं। यात्रा पर्ची लेके ही फिर आगे चढ़ाई चालू करेंगे। तब तक गाइस देखिए, मयंक गुप्ता यात्रा का हमें मिल चुका है, अब लेके से आगे की यात्रा चालू करेंगे और जल्द से जल्द यात्रा जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें आगे पटनी टॉप जाने का प्लान बन रहा है हमारा। जैसे भी होगा आपको मैं ब्लॉग में बताता रहूँगा। यात्रा पॉइंट पहुँचने वाले हैं जहाँ से यात्रा चालू होती है। सब उतर गए हैं गाइस और चुन्नी भी मान लिया माता की, यात्रा के लिए हम निकल चुके हैं। आगे यात्रा हमारी चालू हो चुकी है, आगे के मैं अच्छे अच्छे व्यू दिखाता रहूँगा। और जहाँ तक कि मुझसे हो सका तो माता वैष्णो देवी के दर्शन हो सके तो वो भी जरूर आपको कराऊँगा। तो व्लॉग को इसलिए आगे से आगे देखते रहें, जर्निंग में मुझे मज़ा आ रहा है, आपको भी बहुत खोस देख के मज़ा आ रहा होगा। आगे मिलते हैं आगे। केले लिए हमने ऊपर चढ़ाई के लिए, चढ़ाई में काम आएंगे हमारे। यहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है, एग्जैक्टली वहाँ पहुँच चुके हैं हम पूरा। यहाँ से यात्रा चालू है और बहुत लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, चेकिंग चल रही है अभी। चेकिंग के बाद अंदर जान देंगे यहाँ से, तो बस अभी यहाँ पे टाइम लगेगा। तब तक के लिए फिलहाल कुछ टाइम पास करते हैं हम। एक कलास चलो वाली का अच्छे दरबार कीजे। फाइनली हमारा नंबर आने वाला है, पहुँच चुके हम बस, इसे पार करके फिर मिलते हैं। यहाँ पे वीडियो फोटो अलाउड नहीं है, बस पहुँच गए। फाइनली हमने यात्रा चालू कर चुकी है, यात्रा में आगे बढ़ चुके हैं, चले जा रहे हैं अब। और जैसे ही व्यू मिलेंगे मैं आपको कैप्चर करूँगा व्यू को, चले जा रहे हैं। हमारी चेकिंग भी हो चुकी है भाई, सब रास्ता छोड़ के सीढ़ी से जा रहे हैं, सीढ़ी का भी देख रहे हैं मज़ा। 425 सीढ़ियाँ हैं इस पर, चल के जाएंगे सीढ़ी का भी मान ले जाए, सीढ़ी का भी मान लेते हुए चलो। सांस फूल गई है गाइस, चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो चुकी है अभी। स्टॉप नहीं लिया अभी कोई स्टॉप लेंगे उस पर रुकेंगे, फिर केले खा लिए जो केले खाएंगे और चॉकलेट, क्योंकि कैलरीज होती है हमारी बहुत ज़्यादा, कैलरीज पूरी करती चॉकलेट ये रुक के। बाकी पीछे तो छोटी बच्ची आ रही है, ये भी बिना रुके आ रही है। सभी बोले जय माता दी। स्टॉप लेके गाइस, स्टॉप ले रहे हैं हम आगे जाके, तो उसके आगे तो मैं व्यू दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा व्यू तो पता नहीं, थोड़ा बहुत दिख रहा है वो आपको दिखा देता हूँ। गाइस 425 चढ़ के आ चुके हम, सीढ़ियाँ हमारी ख़त्म होने वाली हैं, थोड़ी बहुत सीढ़ी रही है दो चार। हेलो गाइस, हम रुके हैं यहाँ थोड़ी देर, तो नी लेमन सोडा पीने का प्लान बना रहे हैं, ये भाई को बोला है लेमन सोडा बना रहे हैं। क्या क्या डाल लो भाई इसमें? नींबू डलेगा, उसके बाद मसाला डलेगा, मिक्स होता है। गैस पूरी 20%। ना
ये बन के तैयार हो गया। बन के तैयार हो चुका है, अब पी के इसका टेस्ट देखते हैं कैसा है। और टेस्ट कैसा है इसका? मस्त। कितने? अब तो वायरल हो गई यूट्यूब पे तुम तो। चाहिए कितने गाइस? वाकई में बहुत टेस्टी है। कभी भी आओ, बहुत टेस्ट करना है लेमन सोडा। कहाँ पे भाई आपने बताओ एड्रेस? चरण पादुका। तो करने टेस्ट का यहाँ के। हेलो गाइस, अभी मैं पैदल चल के आऊँ, सीढ़ियाँ मैं क्रॉस छोड़ दी थी, अब मैं दोबारा से सीढ़ियाँ पकड़ रहा हूँ। यहाँ की सीढ़ियाँ हैं 360 लगभग, 360 यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ का भी एक सफर चालू, मिलते हैं फिर आगे जाके। हेलो गाइस, 360 सीढ़ियाँ कंप्लीट होने वाली हैं। जैसे ही बताया था मैंने, बीच में स्टॉप लिया था जहाँ लेमन जूस पिया, लेमन सोडा सॉरी जूस नहीं, तो वहीं से आगे क्या ब्लॉग ही था। यहाँ से व्यू अच्छा है तो व्यू भी दिखाऊंगा आप लोगों को। ये 360 सीढ़ियाँ ही कंप्लीट हो चुकी हैं वाली, और यहाँ से व्यू देखो। ऑलमोस्ट व्यू सब सेम ही है, बस यहाँ थोड़ा ऊपर आ गया तो थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, नीचे से कम दिख रहा था व्यू थोड़ा, बाकी सब सेम ही व्यू है। देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है व्यू। देखिए चलते हैं गाइस, ये अब नेक्स्ट आगे क्लिप बनाएंगे ये के लिए। चलते हैं गाइस, ये सीढ़िया अब नेक्स्ट आगे क्लिप बनाएंगे ये के लिए। चलते हैं गाइस, ये सीढ़िया अब नेक्स्ट आगे क्लिप बनाएंगे ठीक है। चलते हैं बाकी, इतना ही हो सकता इतना कवर करेंगे। गाइस हमारा एक बंदा सीढ़ी गिनता हुआ आ रहा है, पूछते हैं इनसे कितनी सीढ़ी हुई है। कितनी सीढ़ी होगी तुम्हारी? कितनी सीढ़ी होगी? 110। ओहो अभी तो बहुत रह गई, 460 सीढ़ी अभी रह गई है। पूछते अपने बंदे से हम कितनी सीढ़ी कवर करी, कितनी सीढ़ी होगी? 500। ओहो 26 बाकी है और बाकी है, बस खत्म होने वाली हमारी सीढ़ियाँ, 26 में ही रह गई अब तो। अब तो मेरे ख्याल 3-4-10-5 सीढ़ी हो रही हैं, खत्म कर चुके हैं। मजा आ गया। तो दोबारा सीढ़ी करें, ये तो खत्म होगी 526 सीढ़ियाँ, दोबारा सीढ़ियाँ चलनी है, चलनी है पहले थोड़ा आराम कर लो। आराम करना, वेट एंड वॉच। हाँ भाई पत्थर क्यों मार रहा है ये? बता तो पत्थर क्यों मार रहा है? इधर ले भग गए तो आइए, पत्थर मार के भगा दो खुद इतना बड़ा, वो तो अच्छा वो लगा नहीं हमारे, बड़ा नालायक बंदर है ये। बंदरों के नाम पे क्या बोले ने, मंकी है भाई, हनुमान जी का भक्त सच्चे वाले, इनसे कुछ ही नहीं। गाइस एक बंदा दिखा हमारे ग्रुप का ही, लड़की की ड्रेस में। हाँ भाई कहाँ से उन्होंने लाए वाला, कहाँ से उन्होंने लाए ये? सरोजी मार्केट से। ओहो जय भी हाल है तुम्हारे। तो गाइस सीढ़िया तो मिली नहीं हमें, पैदल ही चलना पड़ रहा है, और चल ही रहे हैं पैदल। अब यहाँ की भी पेपर देखो, जवान जवान जा रहे हैं। ढोल वाले भैया मिले हैं, ये हमारे मामा नाचते हो।
गाइस एक बुरी खबर हमारे साथ की, हमारा एक बंदा खो गया है, अभी तक नहीं मिला। हमने पीछे भी उसका काफ़ी वेट करा पर मिला नहीं अभी तक। वो देखो आगे मिल जाए, आज दुबारी पहुँचने वाले हैं, शायद वहीं पे मिल जाए हमें। वो वहाँ भी नहीं मिला तो फिर भवन पे मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली यहाँ कोई फ़ोन वोन भी चलते नहीं है, तो किसी को सिम भी नहीं थी बिल वाली, एक है और उसका नंबर भी नहीं पता मेरा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही मिली है, नंबर एक्सचेंज वगैरह किए नहीं तुमने, वरना बताया किसी कोई हो जाए तो वो ऐसी। और उसके लिए बैड लग रहा है, साथ में छोटा बच्चा भी उसके, मिलेगी तो मैं आपको दिखाऊँ जरूर। अभी तो देखो पता नहीं ऑफ्स कैसी होगी इस टाइम। वो भी गाइस अटवाड़ी पहुँचने वाले हैं हम, थोड़ा सा रह गया है मिनिमम 1 किलोमीटर। ना ना 1 किलोमीटर 100-200 मीटर यार। हाँ 1 किलोमीटर बोलते 1 किलोमीटर थकना नहीं है ना। भाई 3 किलो गया वैसे तक, मगर दिखाना नहीं है ऐसे। बस गाइस पहुँचने वाले हैं, सीधे चल रहा हूँ मैं तो जल्दी पहुँच जाऊँगा। ये थोड़ा सा मूवमेंट, यहाँ साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, देखो 24/7 साफ सफाई चलती है। भाई जैसे मैंने बताया था, मेरे दो बंदे हो गए थे, एक बच्चा बन साथ में एक बंदा, तो वो तो मिल गया है। हमने बच्चे को वोकल चलने हैं, वोकल में बिठा दिया था। मैं तुम्हें बच्चा दिखाता हूँ, और जो वो बंदा जो था उसी लड़की दे गई थी, वो लड़की आ रही तीनों में मिल गई है, वो भी अच्छी बात है, यहीं मिल गई, दुबई से पहले ही मिल गई मुझे। अभी दुबारी पहुँचने वाला था मैं, यहीं मुझे मिल गया बच्चा, दिखे मैं बच्चा पहचान लिया। बाकी हमारे बंदे ये खड़े मुझे, ये बच्चे साथ खेल ले, ये खो गया था, मिल गया भाई ठीक है। ढूंढ रहे थे पता है, परेशान हो गए, हंस कर दिखा दे, मिल गया तो स्माइल प्लीज, हंस कर दिखा। ओह ये नहीं हंसे, आए हाय हंसता ही नहीं है। ये प्रिंस हंस के दिखा दे तू, प्रिंस हंस कर दिखा बेटा। आहा आए, अब भाई कहां खो गए थे, तुम्हारे चक्कर में कितने परेशान हुए हम, बहुत परेशान है यार, पानी तक नहीं पिया अभी तक, गला सूख रहा है हमारा, भूख तो लगी रही है, तुम्हारे चक्कर में खाने में सब छोड़ दिया हमने, बताओ हम तो परेशान हैं, बताओ यार हम तो अधूरे रह गए, वरना कहाँ चले गई यार, आगे पीछे देख के चला करो। हाँ हाँ आगे पीछे देख के चला करो ना, यार कोई मिल गया था किसी ने चलो, मिला नहीं मिला कोई, कोई नहीं आगे मिल जाएगा, आगे मिल जाएगा कोई, आगे मिल जाएगा। फाइनली अटवाड़ी पे पहुंच चुके हैं हम, देखिए यहाँ का व्यू आप। गाइस अटवाड़ी पहुंच चुके हैं, कुछ खाने दिस नहीं करा है, पर आज होटल पे नहीं, आज सरकारी भोजनालय पे खाना है। ये भोजनालय में जाते हैं, देखते भोजनालय में क्या क्या है। बंद हो गया साइड से लग रहा है, कुछ टेबल ऊपर लगी है, बात करते हैं यहीं बैठते हैं। भोजनालय बंद हो चुका है, अब दूसरा या तो भोजनालय, एक और यहाँ पे सर सुना है वाला भोजनालय देख रहे हैं, वो नहीं मिलता है तो फिर तो होटल पे खाना ही है। हमें भोजनालय खुला मिल गया दूसरा वाला, यहाँ से पर्ची कटवा रहे हैं हम, फिर खाना लेंगे यहाँ से, पर्ची जब पहले पर्ची कटेगी इधर खाना मिलेगा, फिर हम खाएंगे। आगे भी दिखा के दिखाता हूँ ये कैश का हूँ, कूपन गाइस हमने कूपन ले लिया, ये था कूपन, अब भोजनालय पर खाना लेने जा रहे हैं। तो भाई ये भाई चावल आ चुके हैं, निकाल ले हैं अभी गर्म गर्म, सब्जी डालेंगे एक कड़ी है राजमा, ये भवन का रास्ता है, और भवन के रास्ते पे जाते हुए चलिए एक बार इसके अंदर चलते हैं। हाय गाइस, आई एम कमिंग टू अर्थ कुमारी, ओह ओह कमिंग है
कमिंग मतलब सून नहीं है ना, कमिंग नो सून या हमारे आधे बंदे पीछे रह गए हैं, उन्हें कुछ ज्यादा ही लेजी हो रहे थे, मैं छोड़ दिया उन्हें, हम अपने आगे बढ़ते भवन की ओर। ये नीचे का व्यू हमारा टारगेट है, हम एक घंटे में भवन के पास होंगे, आगे की अपडेट। अगर पैरों ने जवाब नहीं दिया तो आने की दुआ से चल ही रहे हैं अभी तक, तो आगे भी नहीं देंगे, चलिए आगे मिलते हैं फिर। गाइस हम एम कोटी पहुंच चुके हैं, यहाँ से 2.5 किलोमीटर करीब मंदिर रह गया है, वो सफर भी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है, बस मामा मेरे आगे चल रहे हैं, हम उनके पास जा रहा हूँ, बैग से अपनी जैकेट वैकेट निकलवाऊँगा क्योंकि अब ठंड बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मौसम समय बीतता रहेगा, मौसम ढलता रहेगा, वैसे ठंड बढ़ेगी। और अभी रात को नीचे उतरना भी है, तो इस हिसाब से मैं लेट हो चुका हूँ। एक्चुअली बच्चे भी साथ में, तो और फिर उस टाइम पे खो भी गए, बाकी रनिंग करते हैं अभी। ये हम पुलिस चेक पोस्ट पर पहुँच चुके हैं, यहाँ चेकिंग होगी आगे जाने के लिए। चलिए गाइस बाकी मज़ा आएगा रनिंग करने में हमें। हेलो गाइस, प्लान तो था हमारा आरती लेने का, बट आरती शुरू हो चुकी है और अभी हम रास्ते में ही हैं। देखो अब तो आरती के बाद ही दर्शन ले पाएंगे। गाइस अब भवन पर पहुंच चुके हैं, भवन पर चेक पोस्ट आ गया है, यहाँ पर चेक पोस्ट से निकलेंगे, चेक पोस्ट से निकल गए हैं गाइस, अब आगे जा रहे हैं मंदिर की लाइन की तरफ। मंदिर की लाइन में लगे, पहले प्रसाद लेंगे मंदिर के लिए, फिर प्रसाद लेके लाइन में लगेंगे मंदिर की, नहीं नहीं लाइन में भी नहीं, सिर्फ हम वेट करेंगे हमारे लोग पीछे जो आ रहे हैं उनका। गाइस मैंने बताया था ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब हम प्रसाद लेने जा रहे हैं, हमारे सारे दोस्त मतलब ग्रुप के मेम्बर सब आ चुके हैं ये प्रसाद चौंक का। तो फाइनली गाइस हमने प्रसाद ले लिया है, अब हम मंदिर की तरफ चल रहे हैं, वहाँ जाके फिर माता को भेज चढ़ेंगे। गाइस जैसा कि मैं लाइन बहुत लंबी है तो आप पता चला है, आगे फोन में मिस हो नहीं जाएगा, तो अब मैं फ़ोन को अपना लॉकर में रख रहा हूँ और बाकी लोग मैं दर्शन करने का बात कराऊँगा, बाकी आप लाइन देख सकते कितनी लंबी होगी। तो फाइनली गाइस मैं दर्शन करके आ चुका हूँ माता के, और अभी फ़ोन मैंने अपने लोगों से निकाला है, और मुझे लग रहा है मैं आगे का आपको ब्लॉग नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है। अब मैं वो चार्जर में ऊपर नहीं लेके आया, मेरा चार्जर होटल में रह गया है, जैसे ही आप तो मुझे चार्ज किसी को चार्जर मिल जाए किसी को मुझे चार्ज करके, तो वहाँ का ब्लॉग आपको दिखाऊँगा, वरना मैं दूसरा फ़ोन से अपने ब्लॉग बना के अपलोड जो करूँगा, जहाँ तक क्लैरिटी मिल पाएगी उतनी क्लैरिटी हो पाएगी, आगे नहीं हो पाएगी। तो गाइस अपना प्यार बनाए रखें, बाकी मैं आपको करूँगा ये भैरव मंदिर की चढ़ाई करने जा रहा हूँ, वहाँ के भी 2 किलो में डालूँगा क्लिप, जरूर मिलेगी आपको वीडियो पूरी मिलेगी, टेंशन मत लो, इससे नहीं दूसरा फ़ोन से बनाऊँगा, दूसरा फ़ोन में बैकअप के लिए साथ लाया हूँ अपने। तो वैसे ही हंसते रहे मुस्कुराते रहे, जय माता दी। गाइस मैंने अपना दूसरा फ़ोन निकाल लिया, पहला वाला फ़ोन मेरा डैड हो चुका है, और मैं ये अब भैरव बाबा की चढ़ाई चालू कर चुका हूँ। तो हो चुकी है, अब मैं आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे व्यू दिखेगा वैसे व्यू दिखाता रहूँगा। गाइस हमारा एक बच्चा थक गया है, तो उसके लिए हमने बोकर करा है, वो बोकर में जा रहा है, हम भी बोकर वाले के साथ साथ जाएंगे, और हम भी जल्दी पहुँच सकते हैं आपको, फिर भी साथ साथ जाएंगे तो चलेंगे, ये हमारा बच्चों के साथ में है। हाय प्रिंसु, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है, एक एक हम इनके साथ साथ जाएंगे, बच्चा है उसकी भी सेफ्टी जरूरी है, तो बच्चे थक ही जाते हैं, नीचे से तो ऊपर तक आ गया, भैरव मंदिर नहीं जा पा रहा, तुमने से करवा दिया।
जो बंदे खोए थे मिल गए हैं और हम पट्टी तो पी निकल गए हैं। फोन मेरा डेड हो गया था और मैं उसके बाद फिर ब्लॉग बना नहीं पाया और कुछ मूवमेंट वो भी कैप्चर नहीं कर पाया। सब रेडी हो? हाँ। नींद किस किस को आ रही है? सारे सो रहे हैं। इंस्टाग्राम की गाइस, फैमिली रेस्टोरेंट पे रुके हम चाय पीने के लिए, मतलब चाय पी के फिर आगे चलेंगे। और देखिए व्यू अच्छा आएगा। ये फैमिली रेस्टोरेंट ये रहा, दिखाता हूँ, अच्छा लग रहा देखने में। और फैमिली रेस्टोरेंट वालों का बार भी है जो इस टाइम अभी बंद है। बाकी आगे दिखाता हूँ जो भी व्यू देखेंगे। पीछे लाइन स्टैंडिंग हो रखी थी वो तो मैं कैप्चर नहीं कर पाया, वो CRF वाले खड़े थे तो तेज जल्दी जल्दी गाड़ी निकलवा देते हैं वहाँ से। चक्कर जाते बहुत तो दिखाऊंगा आप लोगों को। गाइस ये पीछे का व्यू देखो बहुत अच्छा है। तो गाइस फाइनली हमने यहाँ पे चाय पी ली है, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया। तो अब पटनी टॉप पे निकल रहे हैं, सब गाड़ी में बैठ रहे हैं, लगा रहे हैं गेट खुल रहा गाड़ी का, ये गेट निकल पा रहा, खुल गया, बैठ रहे लोग, चल रहे हैं फिर पास से पटनी टॉप थोड़ा इन्जॉय करेंगे, वहीं पर डिनर करेंगे, लंच करेंगे। डिनर फिर हम रात को अपने स्टेशन पर करेंगे, रात को दिल्ली के लिए निकलना है। डिनर ट्रेन के अंदर लंच वहाँ करेंगे। आगे मूवमेंट आगे भी तुम्हें दिखाता हूँ। गाइस 2 किलोमीटर रह गया है, गाड़ी में चल रहे हैं अभी 2 किलोमीटर के बाद पटनी टॉप पहुँच जाएंगे, फिर मतलब मैं मजे इन्जॉय लेंगे। हम रुके थे ये ड्रेस कोड वगैरह चलोगे? हाँ। चले और किचू पहन रहे हो? पहन लो, वो पहन रहे हैं। हाँ और तुम तैयार हो चलें भी बर्फ में? रेडी? ओके हाँ भाई। और कौन? हाँ भाई सन्नी, कैसे लेट कर रहा तू? अरे यार एक जूता पहने घूम रहे हो, अरे यार तू हल्की लड़की वाली क्यों पहन ले रहा बार बार? ये सन्नी हलवा लड़की वाली चीज क्यों पहन ले रहा है? और हाँ और तुम हो गए रेडी? रेडी ओ गाइस एंट्री करते हैं पटनी टॉप में, लोगों के बीच में आ गए हैं। गाइस हम जा रहे हैं वेंचर पे, हमें वेंचर करना है, हमारा गाइड हमें आगे ले जा रहा है, हम उसे पीछे पीछे जा रहे हैं। संभल संभल के चलना गाइस, फिसल मत जाना कोई नीचे। प्रिंस वो जान पिक्चर में सुंदर नगर के लिए लड़ते हैं, वही सुंदर नगर है ये। नीचे पहुंचने वाले हैं, ऊपर कीचड़ बहुत थी तो इसलिए वहाँ सूट नहीं करा, पैर फिसलने का बहुत डर था। अब ये नीचे के एंजॉय व्यू देखो। हमारे ग्रुप के मिल गए हैं और जो एंजॉय हमें करना है उसके लिए हमें लेके जा रहा बंदा,
से बात करते हैं, वो बताएगा इसका नाम क्या है। ठीक है भाई, एवेंजर का नाम क्या है? ओहो, नाम क्या है एवेंजर का? इस जगह का? हाँ, इस जगह का नहीं है जो तुम कराने वाले हो। स्लेस बोर एक्टिव। पहले कौन जा रहा है? कैमरा दे देना वीडियो शूट करने के लिए। चलो भाई बच्चे एंजॉय। ओए प्रिंस, बाहर से बच के पानी में मत गिरियो। भाई सबने अपनी एक्टिविटीज पूरी कर ली है, अब यहाँ से वो बच्चे तो पार्क में गए हैं, उन बच्चों के पास जा रहे हैं, वहाँ के मैं व्यू कैप्चर करता हूँ बच्चों के साथ के, फिर आपको बस आपको अपना प्यार दिखाना है। बाकी आप व्यू तो बहुत प्यारा हो रहा है, ठंडी भी अच्छी हो रही है, व्यू को देखना है तो व्यू तो देख सकते हो। तो गाइस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, फिर हमें बीच में लंच वगैरह भी करना है, इतना करानी है हमने, और स्टेशन पर पहुँचना है, शाम को ट्रेन पकड़नी है। तो गाइस मैं अपनी गाड़ी पर आ गया हूँ, अंदर बैठेंगे फिर चल रहे यहाँ से। बैठो बैठो, जंक्शन पे आ गए हैं, स्टेशन पे, यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे अपनी, क्योंकि हम लेट हो गए थे, कटरा से पकड़ नहीं सकते थे, तो ये रहा यहाँ। गाइस मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ, एंड कुछ होगा तो मैं आगे बताऊँगा, अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। हेलो गाइस, मेरा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है, इस सफर में मेरे साथ मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगला ब्लॉग मेरा ऋषिकेश का आएगा, जिसमें हम बहुत सारे मजे करेंगे, और आप मेरे साथ ऐसे बने रहने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, अपना ऐसे प्यार दिखाएं। थैंक यू।